नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंच सरपंच के चुनाव में निर्विरोध चुनाव आम बात है। कई ऐसे मामले सामने आए जब लोगों ने अपना पंच व सरपंच आम सहमति से चुन लिया। अशोकनगर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बोली लगाकर सरपंच को चुना गया है। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है वही अब गाँव वालों के अनुसार अगला सरपंच होगा। हालांकि इस प्रकार के सरपंच के चुनाव को अधिकारी नियम के विरुद्ध बताते हुए जांच करवाने की बात कह रहे हैं। वहीं चुनाव एक्सपर्ट भी बताते हैं कि इसका चुनाव की वैधानिकता से कोई सीधा संबंध नहीं है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसे फॉर्म भरना ही होगा। सरपंच पद पर एकमात्र फॉर्म आता है और वह वैध पाया जाता है तो वह सरपंच चुन लिया जाएगा। वह कोई भी हो सकता है, चाहे बोली लगाने वाला ही क्यों ना हो। चार लोगों के बीच बोली लगाना शुरू हुई। सरपंच का यह अजीबोगरीब चुनाव मंगलवार को राधाकृष्ण मंदिर परिसर में हुई। यहां ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक हुई। सरपंच पद के चुनाव के लिए दो चीजें जरूरी थी, एक तो गांव का विकास और दूसरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना। और इसी शर्त पर चार लोगों के बीच बोली लगना शुरू हुई। आखिरी में सौभाग्य सिंह यादव ने 44 लाख रुपए की बोली लगाई, जिसके आगे कोई जा नहीं पाया। ऐसे में सौभाग्य सिंह को निर्विरोध सरपंच मान लिया गया। वही बैठक में यह भी तय हुआ कि अब यादव के खिलाफ कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। मंदिर पहुंचे बोली लगाने वालों में सबसे पहले धरोहर के रूप में 5,000 रुपए रखे। इसके बाद 21 लाख रुपयों से बोली शुरू की गई। चारों प्रतिद्वंदी इस रकम के आगे बोली लगाते रहे। बोली 43 लाख रुपए तक पहुंची तो सौभाग्य सिंह ने सीधे एक बोली में 1 लाख रुपए बढ़ाकर इसे 44 लाख रुपए कर दिया, जिसके बाद किसी ने भी आगे की बोली नहीं लगाई। वहीं पंचायत के लिए सरपंच पद की बोली लगाने वाले सौभाग्य सिंह यादव का कहना है कि गांव में शांति बनी रहे, व्यर्थ पैसा बर्बाद नहीं हो। मेरे द्वारा किया गया पैसा मंदिर के कार्य में लगेगा, जो धार्मिक कार्य है, और किसी भी प्रकार के शराब व अन्य कार्यों में पैसा जाने से बचेगा। सभी के सहयोग से प्रत्याशी चुना गया। गांव वालों की यही इच्छा थी कि मंदिर के लिए पैसा एकत्र करते हुए सरपंच चुना जाए और उसी के आधार पर चुना गया है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार 2009 के चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार से सरपंच का चुनाव हुआ था। उस समय यह रकम करीब 5 लाख रुपए थी। बोली में लगाई गई राशि को मंदिर प्रबंधन के पास रखना होगा। यह रकम गांव के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मंदिर पे चुनाव करा गया क्योंकि शराब वाले भी ज़्यादा उधम करते हैं, तीखा ताक होती है। पार्टी विरोध के वजह से मंदिर पे चुनाव रखा गया है कि जो भी है राशि मंदिर मिलेगी तो विकास होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।